हे दोस्तों, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी से एक और लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट में क्या बताया गया है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट का हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है, शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। उसी के साथ में आपको ये भी बताया गया है कि आप फीस को कैसे पेड करेंगे। जो हॉस्टल आपको अलॉट हुआ है, जो स्टूडेंट हॉस्टल लेना चाहते हैं वो फीस को पेमेंट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस जगह करना है, और बॉयज़ के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए क्या है, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स में आपको बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल अंश स्टडी ग्रुप पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी के साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए फटाफट स्क्रीन पर बढ़ते हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो गया, लिखा है नोटिस, फिर लिखा है टेंशन, लिखा है शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन न्यूली एडमिटेड एम टेक एम सी ए बी टेक लेटर ले इंट्री पी एच डी बी फार्मा बी बी ए एम बी ए एंड एम एस सी सेशन 2021 और 22 का मेंशन किया गया, इसे आप देखिए फुल डिटेल में। लिखा है फॉलोइंग स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल हु हैव द सबमिटेड देयर चॉइस फॉर द हॉस्टल अलॉटमेंट टिल 15 नवंबर 5 बजे तक हैव बीन द प्रोविजनल सेलेक्टेड फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट एज पर यूनिवर्सिटी हॉस्टल अलॉटमेंट पॉलिसी। दिस स्टूडेंट कैन नाउ कन्फर्म द हॉस्टल अलॉटमेंट बाई डिपोजिट हॉस्टल फीस 20,000 थ्रू रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड मेस एडवांस 50,000 इन द रिसेक्टिव हॉस्टल मेस अकाउंट विच डिटेल्स आर एज फॉलोइंग। कहने का दोस्तों साफ साफ मतलब ये है कि आप अगर हॉस्टल चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, जो पेमेंट करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और उसी के साथ में आप बताया गया है कि पेमेंट आप कैसे कर पाएंगे। जैसे बॉयज़ के लिए जो पेमेंट करने का जो तरीका यहाँ जैसे मेंशन किया गया है, अंबेडकर भवन अकाउंट नंबर, अंबेडकर भवन मेस फीस अमाउंट अकाउंट लिखा हुआ है, और अकाउंट नंबर आपका कुछ इस प्रकार से मेंशन किया गया है, ब्रांच भी आपका मेंशन किया गया है, आईएफएससी कोड भी मेंशन किया गया है। आप यहां से बॉयज जो हैं वो भर सकते हैं, और गर्ल्स के लिए भी उसी प्रकार से सेम दिया हुआ है जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसके बाद और नीचे आइए, देखिए क्या मेंशन किया, लिखा है द स्टूडेंट शैल बी अलॉटेड हॉस्टल ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग कम रजिस्ट्रेशन डे इन द यूनिवर्सिटी हु ऑलरेडी डिपॉजिट हॉस्टल फीस एंड मेस एडवांस। आपका मेस में एडवांस पेमेंट आपको जमा करना होगा, जैसे कि आपका लिस्ट जारी किया गया है, देखिए लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड स्टूडेंट ओपेट फॉर हॉस्टल फैसिलिटी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जिन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है उनके नाम मेंशन किए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उन सभी का नाम यहाँ मेंशन किया गया, इतने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो कौन कौन से स्टूडेंट है टोटल, ये आप देख लीजिए, मैं टोटल आपको बता देता हूँ। टोटल आपके 61 स्टूडेंट है जिनको सिलेक्ट किया गया है। और क्या लास्ट पॉइंट पे देखिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है, लिखा है दीज स्टूडेंट शैल बी अलॉटेड हॉस्टल ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग कम रजिस्ट्रेशन डे इन द यूनिवर्सिटी आफ्टर शोइंग सबमिशन ऑफ हॉस्टल फीस एंड मेस एडवांस रिसिप्ट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड 3 कॉपीज फॉर द हॉस्टल एंड मेस एडवांस रिसिप्ट। लास्ट डे हॉस्टल कन्फर्मेशन इज 23 नवंबर। 23 नवंबर शाम 5 बजे तक आप कन्फर्मेशन अपना कर सकते हैं, जो कि आपका हॉस्टल अलॉटमेंट लास्ट डेट कन्फर्मेशन करने के लिए आपका दिया हुआ है। उसके लिए आपको हॉस्टल जो आप फीस किए हैं, हॉस्टल को जो पेमेंट किए हैं, उसकी आपको कॉपी लेनी होगी, और भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर 23 नवंबर को शाम 5 बजे तक अपने यूनिवर्सिटी में संपर्क करेंगे। जैसे कि डॉक्टर राजेश कुमार यादव जी के माध्यम से ये नोटिफिकेशन, और प्रोफेसर राकेश कुमार चीफ वार्डन जो है उनके माध्यम से ये आपके नोटिफिकेशन जारी किए गए। इसमें आपको बताए गए थे कि कौन कौन से स्टूडेंट के और कैसे हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, उसके लिए आपको फीस कितनी देनी होगी, और कितने स्टूडेंट का सिलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट में कितने स्टूडेंट शामिल हैं, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो आप चैनल अंश स्टडी गुरु को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे नई नई वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।